पश्चिमी बंगाल जो रेला से चित्रे रेलवे कर्मियों सने नौ लोगों की मौत पंजाब जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हादसे पर प्रकट किया दुख। मरोने वाले के परिवार ताई दो दो लाख रुपए की राहत सहायता की की घोषणा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 9 जून की रियासी चो आतंकी हमले की कड़क जांच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए की सौंपी दिता है मामला। सुरक्षा बलें हंदवाड़ा च एक आतंकवादी की किया गिरफ्तार जेड़ा नेकां आतंकी गतिविधियों हा मुलवस। ईद उल अज़हा का त्यौहार अज मुल्क भर मनाया जा करता है पूरे जोशो खरोश कने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री ने लोगों की दी मुबारकबाद। नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन तो सबने का स्वागत है ते कन्ने गए सबने की ईद उल अज़हा दियां मतियां मतियां मुबारकां। तो हुण पेश खबरां तफसील कन्ने। पश्चिमी बंगाल च अज बड़ला होए दे इक रेल हादसे च नौ मुसाफरें की मौत हुई गई जिंदे च रेलवे महकमे के त्रै कर्मचारी भी शामिल ने। यह हादसा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन कोल उस मौके पेश आया जिसे सियालदा जाकर दी कंचनजंगा एक्सप्रैस रेलगड्डी एक मालगड्डी कन्ने टक्कर होने परंत पटरी थमां उतरी गई। रेलवे महकमे के सूत्रे दस्या जे मालगड्डी ने सिग्नल की नहीं दिखाया तो लगातार पटरी पर अगे बढ़ती रही। इस कारण कंचनजंगा एक्सप्रैस की ओदे कन्ने टक्कर होई गई। हादसे की खबर थोंदे गए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल प्रदेश दियां राहत टीमां 15 एम्बूलेंसां ते मेडिकल अमला तुरंत घटनाली थारा पर पुजी गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पश्चिमी बंगाल च होए दे रेल हादसे उपर डूंगा दुख बुझा। उन्हें हादसे च होए दे जानी नुकसान उपर बसोस प्रगट करदे होए जख्मियों दे तौले ठीक होने की कामना की। इस मौके उपर उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड थमां हादसे च मरने वाले लोगों के नेड़में सरबंधियों के हक च दो दो लाख रुपए ते जख्मियों के हक च पंजाह पंजाह हजार रुपए की राहत सहायता की घोषणा की है। रियासी च इस महीने की 9 तरीक गी एक बसा उपर होए दे आतंकी हमले की जांच पड़ताल एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफा की जाग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह मामला जांच पड़ताल लई एनआईए की सौंपी दिता है। कश्मीर च सुरक्षा बलें हंदवाड़ा च एक आतंकवादी की गिरफ्तार किया। हंदवाड़ा के एसएसपी दाऊद अयूब होरें मीडिया की दस्या जे एक टकोदी सूत थोने पर हंदवाड़ा के बसनीक आतंकवादी जकीर अहमद मीर की गिरफ्तार करी लिया गया। अगली कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे जहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर एक मर्तीगाम का पाक में एक पाक हैंडलर है जो यही का है, पाक हैंडलर है, एचएम ऑर्गेनाइज के साथ वाबस्ता है, उसी के टच कंटिन्यूस टच में था और उसी के शय पे ये काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर झारखंड हरियाणा ते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लई पार्टी दे प्रदेश चुनाव प्रभारी ते सहायक प्रभारी नियुक्त करी दिते। भूपेंद्र यादव होरें गी महाराष्ट्र दा प्रदेश चुनाव प्रभारी ते अश्विनी वैष्णव होरें गी सह प्रभारी बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान ते विप्लव कुमार देव होरें गी हरियाणा दा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। झारखंड लई शिवराज सिंह चौहान होरें गी प्रदेश प्रभारी ते हेमंत बिस्वा शर्मा होरें गी सह प्रभारी बनाया गया। जम्मू कश्मीर लई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी होरें गी चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें देशवासियों की ईद की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें एक सोशल मीडिया पोस्ट आख्या है जे ईद उल अदा कुर्बानी का उत्सव है जेड़ा लोगों की सबने कन्ने टकोदा करिए जरूरतमंद लोगों कन्ने खुशियां सांझियां करने का सनेहा दिता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ होरें लोगों की इस मौके एकता दया ते भाईचारे दियां कदरां दर्शाने का आह्वान किया है। तोई प्रधानमंत्री मोदी होरें आख्या जे ईद उल अदा का पवित्र ध्याड़ा समाज भाईचारे ते एकता दे रिश्ते की और निग्गर करता है। उन्हें सबने की खुशी ते तंदुरुस्ती की भी कामना की। जम्मू च ईद उल अज़हा दा त्यौहार बड़ी खुशी ते जोश कन्ने मनाया जा करदा है। मुस्लिम तबके दी तरफा दुनिया भर च इस ध्याड़े बडलै ईदगाहें ते मसीते च खास नमाज अदा कीती जांदी है। जम्मू च बडलै 7:30 बजे थमां 9 बजे तोड़ी बक्ख बक्ख थाहरें ईद दी नमाज अदा कीती गई जेदे च बड़ी मती गिनती च अकीदतमंद शामल होए। इस मौके उपर गैर मुस्लिम लोकें दी तरफा मुस्लिम भ्राएं की ईद की मुबारकबाद दिती गई। ईदगाहें च मुल्खा दी सलामती ते आपसी भाईचारे लई दुआ भी मंगी गई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर और ये मरकजी ईद का
जम्मू यहाँ पर भी ईद की नमाज अदा की गई है। तो सबसे पहले मैं इस मौके पर तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ हमको नसीब फरमाए। आज ईद उल अजहा के मौके पर रियासी की त्रिथा ईदगाह किट्ठे हुए सैकड़ा बद्दे मुसलमान इस महीने की 9 तरीक आतंकी हमले मारे गए दे लोगों लिए खास दुआ मंगी। इसके अलावा उन्हें अस्पताल में दाखिल जख्मी के तौले नरोए होने की भी दुआ की। कि जितने भी शहीद हुए हैं लोग जो इस टेरर अटैक जो हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, ये ना काबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा और जो भी शहीद जितने भी लोग हुए हैं मैं उनके लिए यहाँ पर हमने आज इस नमाज के अंदर हमने दुआ की है। तो उधमपुर जिले में भी ईद का त्यौहार बड़ी खुशी के धार्मिक रवायत के मनाया गया। जिले का सबने शा बड़ा किट उधमपुर की आदर्श कलोनी ईदगाह च लगा जिथे बख-बख इलाके थमां आए दे अकीदतमंदें खास नमाज अदा की। ईदगाह के आले दुआले बड़ी मती रौनक लगी रही। दुए समुदाय के लोगों से समाजी ते सियासी नेताएं भी इस मौके उत्थे आइए मुस्लिम भ्राएं गी ईद की मुबारकबाद दी। नमाज मगरा मीडिया कन्ने गलबात करदे हुए उधमपुर रियासी रेंज के DIG पुलिस रईस मोहम्मद भट्टो ने सबने की सोगे रोने ते दुश्मने दे पैड़े मनसूबे नाकाम करने की अपील की। आज के दिन सैक्रीफाइस को कमेमोरेट किया जाता है और इसी सैक्रीफाइस के जज्बे को दिल दिमाग में रखते हुए हमारी लोगों से अपील रहती है कि वो हमेशा जो है हमारे जो दुश्मन हैं उनके जो मनसूबे हैं उनको बेनकाब करने की हमारी मदद करें। इं कठुआ जिले में भी ईद का त्यौहार आज पूरी श्रद्धा हर्षोल्लास मनाया गया। जिले दिए बख-बख थारे पर इस मौके खास नमाज पढ़ी गई। कठुआ शहर के ईदगाह मैदान जामा मस्जिद ते मदरसे च ईद की नमाज वास्ते सैकड़ा मुस्लिम किट्ठे हुए। कठुआ के तहसीलदार विक्रम सिंह ते SHO अजय चिब होरें नमाज परंत लोगों की ईद की मुबारकबाद पेश की। आज हमने दुआ मांगी हमारा मुल्क आबाद रहे। हम ईद की कुर्बानी करनी है, हम बकरों की कुर्बानी करते हैं और अल्लाह इसको कबूल करे और हमारा देश हमारी दुनिया सब खुश रहे। इससे चली रजौरी च भी ईद का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश करने मनाया गया। बड़ी बद गिनती च अकीदतमंद मसीतें ते ईदगाहें च किट्ठे हुए ते राष्ट्र की शांति ते प्रगति ताईं दुआ की। रजौरी की जामिया मसीत ईदगाह च ईद की नमाज वास्ते बड़ा किट लगा जिथे रजौरी ते इहदे आले दुआले दे इलाके दे लोकें नमाज अदा की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रजौरी वासियों को आज के इस ईद अल अजहा के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम हमारा जितना ये जो ईद का कार्यक्रम है ये सद्भाव भाईचारा शांति और सफलतापूर्वक संपन्न। केंद्र शासित प्रदेश दे और ने इससे आला लेखा पुंछ जिले च भी ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास मनाया गया। इस मौके पर मुख्य किट ईदगाह पुंछ ते जामिया मस्जिद च लगा जिथे बड़ी मती गिनती च लोकें नमाज अदा की। जिले दी मंडी मेंढर ते सुरनकोट ईदगाहें च भी लोकें ईद की नमाज अदा की। पूरी दुनिया के अंदर ये त्यौहार बड़े जोक व शोक के साथ अकीदत मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। हमारी तरफ से जितने भी सुकाने पूछे हैं और जो भी हमें सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छे तरीके से ईद की नमाज अदा की, दुआ की गई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और अमान रखे और खुशहाल बनाए। तो चिनाब वैली च भी ईद का त्यौहार अज धूमधाम मनाया गया। ईदगाहें जामिया मस्जिदें इस मौके खास नमाज अदा की गई। इस मौके पर बोलते हुए अंजुमन ए इस्लामिया भद्रवादी अध्यक्ष अब्दुल हफीज खतीब होरें आख्या जे ईद का त्यौहार गरीब ते लोड़वंदे आस्ते कुर्बानी देने की शिक्षा दिंदा है। नमाज मगरा भद्रवाह के बागें ते पार्कें च बच्चे की खूब रौनक भी दिखी गई। अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अल्लाह सबको शिफाए दायना अता फरमा। अल्लाह तो जिंदा है, उनके लाशें बिलखसूस पूरे आलम के अमन की दुआएं की गई इसमें और बड़ी सादा सी तकरीब जैसे मनाई जाती है बड़े पुरामन माहौल में आज की ये तकरीब मनाई गई। ताई डोडा जिले च भी ईद का त्यौहार आज बड़ी खुशी ते श्रद्धा कन्ने मनाया गया। इस मौके पर मुख्य किट ईदगाह च लगा जिथे 11 बदे लोकें ईद की नमाज अदा की। प्रशासन आसिया इस मौके पर व्यापक इंतजाम किए गए रहे।
देखिए ये ईद जो है इसको ईद उल अज़हा बोला जाता है, कुर्बानी की ईद होती है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है और बड़े धूमधाम से, शौक से, जज्बे से मतलब ये ईद मनाई जाती है। रामबन जिले की बनियाल से राम सुथारे पर बकरीद का त्यौहार बड़े जोशो खरोश कने मनाया गया। सैकड़ा बद्दे मुस्लिम अकीदतमंदे ईदगाहें जामिया मसीतें खास नमाज अदा की। बनियाल च पीर दस्तगीर साहब की दरगाह पर बड़ी मती गिनती लोगों ईद की नमाज अदा की। तुआई गूल, संगलदान ते बटोत के इलाके थमां भी ईद उल अज़हा बड़ी खुशी कने मनाए जाने दी खबर हासिल हुई। अपनी तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम सब ने मिलकर के दुआएं की मुल्क के लिए, सारी इस रियासत के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जम्मू कश्मीर दी और नेथारे आला लेखा रामबन जिले च भी ईद का त्यौहार बड़ी खुशी ते मजहबी रिवायतें कने मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम अकीदतमंदें ईदगाहें ते मसीतें च नमाज अदा की। रामबन दे डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी होरें होरनें अधिकारियों कने रामबन दी जामिया मसीत च जाइए मुस्लिम भ्राएं की मुबारकबाद दी ते बच्चे च मिठाई वंडी। ये कुर्बानी मिल्लत का दिन है, आपसी मेल मोहब्बत का दिन है, भाईचारा का दिन है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है हमारे मुल्क में और रियासत में अमन अता फरमाए, हमारी इस सरजमीन को अमन का गहवारा बनाए और हम जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर इस मुल्क में। पुंछ च भी ईद का त्यौहार बड़े जोश ते खुशी कने मनाया जा करदा है। अज बडले मुस्लिम तबके दे लोग सारे कोला पहले कब्रिस्तान गए जिथे उन्हें अपने बुजुर्गें दी कबर पर फातिहा पढ़ी है, मुल्क ते कौम दी सलामती लई दुआ मंगी। इस इलाके च मुस्लिम तबके दे लोग हर बारी ईद दे त्यौहार उपर पहले अपने बुजुर्गें लई फातिहा पढ़दे ते फिर ईद दी नमाज अदा करदे न। ताला जो है हमारे देश में जो है अमन शांति का ये बना रहे, माहौल बना रहे। तो सुबह सुबह लोग कब्रिस्तान में भी आते हैं, अपने आबाओ अजदाद के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं क्योंकि ये मकबूलियत के दिन होते हैं, इसके लिए हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं। रियासी जिले च चनाब दरिया उपर बने दे दुनिया दे सबने कोला उच्चे रेलवे पुल उपर कल रेलवे इंजन दे सफल अभ्यास परंत रियासी डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन और अधिकारियों की एक टीम कने जिले के कोड़ी बक्कल ग्रां थमां रेल पुला तोड़ी दौरा लाइए उत्थे चलारदे निर्माण कमै का जायजा लिता। इस मौके पर उन्हें गी दस्या गया जे निर्माण काम तकरीबन पूरा करी लिता गेदा है। इसे दौरान डिप्टी कमिश्नर उन्दे कने मकामी लोकें मलाटी करिए अपनी मंगा उन्दे सामने रखियां। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिक्योरिटी को भी हमने देखा तो है ही है जो मौके पर सीआरपीएफ, पुलिस, वीडीजी, लेकिन जो लोकल लोग हैं उसको भी इसको अपनाना है, इस प्रॉपर्टी को, कि हमें इसकी रक्षा करनी है। रेलवे को कहीं पे भी कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो काम करने में किसी तरह का अगर हिकअप है, अगर वो सिक्योरिटी का कोई इशू है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त उनके डिस्पोजल पे है। जहाँ जहाँ पे भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी मदद। इस महीने 29 तरीक थमां शुरू होआ करदी श्री अमरनाथ यात्रा लई जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी खास प्रबंध कीते गए ने। इस बारे दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करदे होए जम्मू रेलवे स्टेशन दे डायरेक्टर प्रतीक श्रीवास्तव होरें दस्सिया जे यात्रियों दे स्वागत लई खास इंतजाम कीते गए ने। भारी संख्या में उम्मीद है कि जो भी श्रद्धालु हैं वो रेल सेवा का उपयोग करते हुए जम्मू, उधमपुर तथा कटरा स्टेशन पे आएंगे। इसके लिए रेल प्रशासन ने भी व्यापक रूप से तैयारियां की। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।